स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे किसी मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकाली जाती है। इससे पहले लेक्चर में हमने रैंक निकालने के चार मेथड्स को डिस्कस किया, हमने डिफाइन किया रैंक क्या होता है, और उस लेक्चर में हमने समझा कि रैंक को चार मेथड से निकाला जा सकता है। उसमें से जो पहला मेथड था वो डिटर्मिनेंट का मेथड था, जो उससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया है। इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे किसी मैट्रिक्स की रैंक इक्लेन फॉर्म से कैसे निकाली जाती है। तो सबसे पहले हमें यही समझना होगा कि इक्लेन फॉर्म क्या है और कैसे उससे मैट्रिक्स की रैंक आती है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके बाद जितनी मैट्रिक्स आप पढ़ने वाले हैं पूरी मैट्रिक्स में इक्लेन फॉर्म का ही यूज करना पड़ेगा। बिना इक्लेन फॉर्म मैट्रिक्स को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इक्लेन फॉर्म से किसी मैट्रिक्स की रैंक निकालना। तो स्टूडेंट डिस्कस करते हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग इक्लेन फॉर्म। तो इक्लेन फॉर्म क्या है उसको थोड़ा सा समझते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज इन ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो रैंक। मतलब कोई मेरे पास मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज, जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज आते हैं इन ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो रैंक, वो मैट्रिक्स की रो रैंक कहलाती है। सिमिलरली द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स, अगर हम इसी तरीके से लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स को देखें मैट्रिक्स में, इज कॉल्ड कॉलम रैंक, उसे हम कॉलम रैंक कहते हैं। मतलब रो रैंक होती है और कॉलम रैंक होती है। अगर हम रो रैंक को देखें तो लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज होनी चाहिए, और अगर हम कॉलम रैंक को देखें तो लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ नो डिफरेंस बिटवीन रो रैंक एंड कॉलम रैंक। इसका मतलब है कि रो रैंक और कॉलम रैंक दोनों से ही रैंक आती है, दोनों को ही यूज किया जा सकता है और उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। द कॉमन रैंक इज कॉल्ड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ये जो कॉमन रैंक हमने निकाली है इसी रैंक को रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कहा जाता है। स्टूडेंट कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, हमने ऐसा क्यों कहा कि रो रैंक और कॉलम रैंक से सेम ही आता है, इसलिए कहा द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ऑलवेज यूनिक। आपने कोई भी मेथड लगाया हो, आपने रो रैंक लगाई हो, आपने कॉलम रैंक लगाई हो, आपने डिटर्मिनेंट का मेथड लगाया हो, नॉर्मल फॉर्म को लगाया हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मेथड लगाया हो, कोई भी मेथड लगाया हो, बट द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ऑलवेज यूनिक, वो हमेशा यूनिक होती है। रैंक कभी प्रोसीजर के चेंज होने से या तो फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के चेंज होने से कभी चेंज नहीं होती, वो हमेशा ही यूनिक होती है, वो एक ही आती है। द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स एंड द रैंक ऑफ ट्रांसपोज, क्योंकि मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज की जो रैंक होती है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ट्रांसपोज, इससे पहली लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक पढ़ा। उस रैंक प्रॉपर्टीज में हमने ये पढ़ा कि मैट्रिक्स की जो रैंक होती है और उसके जो ट्रांसपोज की रैंक होती है दोनों आपस में बराबर आती है। अगर मैं किसी मैट्रिक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स को चेक कर रहा हूं तो उससे मुझे रैंक पता चल जाएगी। जैसे ही मैं उसको ट्रांसपोज करूंगा तो वो कॉलम मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और जैसे ही रैंक रो से आ रही थी वही रैंक कौन देगा, कॉलम देगा, क्योंकि मैंने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लिया है। और ट्रांसपोज और मैट्रिक्स का रैंक जो होता है वो हमेशा इक्वल आता है। वैसे तो सारी प्रॉपर्टीज हमने इससे पहले डिस्कस की है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार समझते हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, द मैक्सिमम रैंक ऑफ मैट्रिक्स आर मिनिमम ऑफ एम कोमा एन। मतलब कहने का ये है कि किसी भी मैट्रिक्स की जो मैक्सिमम रैंक हो सकती है वो कितनी हो सकती है, मिनिमम ऑफ रो एंड कॉलम्स। मतलब रो और कॉलम में जो मिनिमम होगा वो उस मैट्रिक्स की मैक्सिमम रैंक को देगा। इसका मतलब ये हुआ अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे है, जो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स की मैं बात अभी नहीं कर रहा हूं, अगर ये मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स है, नॉन जीरो मैट्रिक्स मतलब जिसमें कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट होना ही चाहिए, तो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, उसके अंदर रोज हैं, उसके अंदर कॉलम्स हैं, इन दोनों में जो मिनिमम होता है मैट्रिक्स की रैंक मैक्सिमम इतनी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ एग्जांपल के लिए देखें, अगर ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर दो रो और तीन कॉलम है, तो मैट्रिक्स की जो मैक्सिमम रैंक है वो मैक्सिमम रैंक 2 आ सकती है, और इसकी मिनिमम रैंक
उसकी मिनिमम रैंक 1 आ सकती है। जीरो इसकी रैंक नहीं आएगी क्योंकि नॉन जीरो मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होती, नल मैट्रिक्स होती, तो इसकी रैंक 0 आती। पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया है, सारे प्रॉपर्टीज को हमने समझाया है। एक एग्जाम्पल मैंने और लिया है, मैट्रिक्स 4x3 की है, मतलब 4 रो है और 3 कॉलम है। इस मैट्रिक्स की जो मैक्सिमम रैंक हो सकती है वो 3 आ सकती है, और इस मैट्रिक्स की जो मिनिमम रैंक हो सकती है वो 1 आ सकती है। लेकिन अब हमें कैसे पता चले कि मैट्रिक्स की रैंक 1 आएगी, 3 आएगी, 2 आएगी, नहीं समझ आ रहा है। हमें अगर इसको समझना है तो इसको समझने के लिए हमें इक्लेन फॉर्म पे जाना पड़ेगा। इसका मतलब हमें पहले इनकी रैंक को फाइंड करने के लिए, अगर हम डिटरमिनेंट का मेथड नहीं लगाना चाहते जो इससे हमने पहली वीडियो में पढ़ा, हम इक्लेन फॉर्म से उसकी रैंक को निकालना चाहते हैं, तो मुझे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आना पड़ेगा। यानी मैं सीधे सीधे शब्दों में आपको एक बात बता देता हूं कि अगर हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम्स इन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर आपके पास जो ट्रायंगुलर फॉर्म में है, अगर अपर ट्रायंगुलर में है तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज उसकी रैंक को बताएंगे, और अगर वो लोअर ट्रायंगुलर में है तो नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम्स उसकी रैंक को बताएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स कुछ इस तरीके की है, मैंने अभी जो मैट्रिक्स उठाई है वो 4x4 की उठाई है। अगर मेरे पास 4x4 की मैट्रिक्स है तो हम इक्लेन फॉर्म को समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम किसी मैट्रिक्स को 4x4 की मैट्रिक्स को इक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं रो रैंक निकालने की, तो मैं रो के ट्रांसफॉर्मेशन से चेक करूंगा कि कैसे मेरी मैट्रिक्स रो इक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, या कॉलम इक्लेन फॉर्म में अगर करना है तो तब मुझे कॉलम के ऑपरेशंस को देना पड़ेगा। लेकिन मैं रो मैट्रिक्स की ट्रायंगुलर फॉर्म करने की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि समझना है इसको, सबसे पहले हमारा ये जो एलिमेंट है ये नॉन जीरो होना चाहिए। जरूरी नहीं है, कुछ मैथमेटिशियन कहते हैं कि यहां पे 1 हो, और कुछ मैथमेटिशियन कहते हैं कि नॉन जीरो एलिमेंट होने से भी मेरी मैट्रिक्स इक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें कि मुझे यहाँ पे 1 बनाना है तो आप 1 बना लीजिए, अगर आप यहाँ 1 बनाना नहीं चाहते तो 1 मत बनाइए, आप नॉन जीरो एलिमेंट से भी काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए पहली रो मेरे पास, ये पहली रो है, ये मेरे पास दूसरी रो है, ये मेरे पास तीसरी रो है, और ये मेरे पास चौथी रो है। 4 रोज मेरे पास है, चूंकि मैं रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं, और उसी से मैंने कहा कि या तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को काउंट किया जाए तो रो रैंक होती है, अगर नंबर ऑफ कॉलम्स को किया जाए तो कॉलम रैंक होती है। दोनों चूंकि सेम ही आती हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वही रैंक होती है, तो मैं रो का यूज कर रहा हूं। तो कैसे समझ रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। फिर से रिपीट करता हूं, अगर 1 है तो 1 से कर लीजिए, अगर 1 नहीं है तो आप 1 के अलावा कोई एलिमेंट लेकर के भी अपना काम कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर पहली रो का पहला एलिमेंट नॉन जीरो है तो दूसरी रो में कम से कम पहला एलिमेंट जीरो होना चाहिए। मैंने क्या कहा स्टूडेंट, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर पहली रो का पहला एलिमेंट नॉन जीरो है तो दूसरी रो का कम से कम पहला एलिमेंट जीरो होना चाहिए। दूसरा भी जीरो हो सकता है, इसकी कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि दूसरा जीरो नहीं होगा, दूसरा भी जीरो हो सकता है। लेकिन अब मैं तीसरी रो पे चलता हूं, अगर मान लीजिए दूसरी रो का पहला एलिमेंट जीरो है तो तीसरी रो के कम पहले दो एलिमेंट जीरो होने चाहिए। ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, अगर मान लीजिए मेरा पहला एलिमेंट नॉन जीरो है जो पहली रो का है, तो दूसरी रो का पहला एलिमेंट जीरो होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये पहला एलिमेंट दूसरी रो का जीरो है तो दूसरी रो तीसरी रो के पहले दो एलिमेंट कम से कम जीरो होने चाहिए। अगर तीसरी रो में पहले दो एलिमेंट जीरो हैं तो चौथी रो के अंदर कम से कम 3 नॉन जीरो कम से कम 3 जीरो एलिमेंट होने चाहिए। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि हर एक अगली आने वाली रो में कंटिन्यूअसली
एक जीरो ज्यादा होनी चाहिए। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, फिर से ध्यान दीजिए मेरी बात पर, अगली आने वाली रो में कम से कम एक जीरो पहले वाली रो से कंटिन्यूअसली जीरो एक ज्यादा होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये पहला एलिमेंट नॉन जीरो है तो दूसरी रो में पहला एलिमेंट जीरो होना चाहिए, इसमें दो जीरो कम से कम होनी चाहिए, इसमें तीन जीरो कम से कम होनी चाहिए। स्टूडेंट मान लीजिए कि आपने एक ऐसा ऑपरेशन लगाया है कि जैसे ही आपने पहले एलिमेंट को नॉन जीरो देखा तो तभी आपने इसको जीरो बनाना चाहा, आपने इसको जीरो बनाना चाहा लेकिन आपने देखा कि ये एलिमेंट जीरो बन गए हैं, मतलब आप तो इनको जीरो बना रहे थे लेकिन ये जीरो अपने आप ही बन गए हैं। आपने केवल इसको जीरो बनाना चाहा, इसको जीरो बनाना चाहा, इसको जीरो बनाना चाहा, लेकिन आपने नहीं किया। जैसे ही हमने एलिमेंट की ट्रांसफॉर्मेशन की तो मैंने इसको जीरो बनाना चाहा था लेकिन ये भी जीरो बन गया, मैंने इसको जीरो बनाना चाहा था ये भी जीरो बन गया, मैंने इसको जीरो बनाना चाहा था ये भी जीरो बन गया। तो चूंकि दोनों में ही दो दो जीरो आ गई हैं, तो अब चूंकि इसमें दो आ गई तो इसमें कम से कम तीन जीरो होनी ही चाहिए, और चूंकि इसमें तीन जीरो आ गई तो इसके अंदर कम से कम चार जीरो होनी ही चाहिए, क्योंकि हर एक अगली आने वाली रो के अंदर कंटिन्यूअसली एक जीरो ज्यादा होनी चाहिए। जैसे यहाँ नॉन जीरो था, इसमें दो जीरो आ गई, अब मुझे इसके अंदर कम से कम तीन बनानी पड़ेगी और इसके अंदर मुझे कम से कम चार बनानी पड़ेगी। मान लीजिए बाय चांस ऐसा होता है आपने इसको जीरो बनाया लेकिन ये जीरो अपने आप बन गए, आपने तो इसको जीरो बनाया था लेकिन ये जीरो अपने आप बन गए, आपने तो इसको जीरो बनाया था लेकिन ये जीरो अपने आप बन गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने हर एक रो के अंदर एक जीरो ज्यादा बनानी पड़ेगी। इसमें चूंकि तीन जीरो थे तो इसके अंदर कम से कम चार होने चाहिए, और चूंकि इसमें चार बन गए हैं तो इसमें कम से कम चार होने ही चाहिए, मतलब हर एक अगली आने वाली रो के अंदर एक जीरो ज्यादा होनी चाहिए। अब इसके अंदर आप काउंट करेंगे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। नॉन जीरो रो मतलब जीरो रो वो रो होती है जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, और नॉन जीरो रो कौन होती है जिसके अंदर कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट आया हो। जैसे इसके अंदर तीन नॉन जीरो हैं, इसके अंदर एक नॉन जीरो है, इसके अंदर सारे जीरो हो गए, इसके अंदर सारे जीरो हो गए। इसका मतलब ये हो जाता है इसमें से अगर आप नॉन जीरो काउंट करेंगे तो नॉन जीरो कुछ ऐसे आ रही है, एक और दो, तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज टू, तो ये आपकी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएगी, इस मैट्रिक्स की रैंक टू आ गई है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आपको इसके अंदर चूंकि मैं रो रैंक का यूज कर रहा हूं तो इसलिए मैं रो पे चल रहा हूं, अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दूं तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और तब मैं कॉलम का भी यूज कर सकता हूं। या तो मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करूंगा या तो मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन से करूंगा, उसी से मेरी मैट्रिक्स की रैंक आती है। तो आपने देखा कि इसके अंदर दो नॉन जीरो रोज हैं, चूंकि दो नॉन जीरो रो हैं तो मैट्रिक्स की रैंक टू आ गई है, और दो जो ये रो हैं ये जीरो रो हैं। इक्लिप फॉर्म के कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं, तो कुछ मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं, आप देखें तो ये पहली रो है, ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो है। मैट्रिक्स को अगर देखें तो 3x4 की मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब जो मैक्सिमम रैंक है वो 3 आ सकती है। तो 3x4 की मैट्रिक्स में जो चार रो हैं, चूंकि इक्लेन फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे एक नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, उसके बाद दूसरी रो का पहला एलिमेंट जीरो होना चाहिए, उसके बाद तीसरी रो में कम से कम दो जीरो होनी ही चाहिए, तो आ रही हैं। अब अगर मैं नॉन जीरो रोज को काउंट करूँ तो नॉन जीरो रो है 1, 2 एंड 3, तो मैं कहूँगा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 3। एक और एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट, इसे देखें तो ये 3x4 की मैट्रिक्स है, 4x4 की मैट्रिक्स है, 4x4 की मैट्रिक्स में अगर देखें तो मैक्सिमम रैंक 4 हो सकती है। तो 4x4 की मैट्रिक्स में एक बार चेक करते हैं, मैक्सिमम रैंक 4 हो सकती है, लेकिन देखते हैं कि आती क्या है। ये हमारी पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है और ये चौथी रो है। अगर इसमें देखें तो पहला एलिमेंट नॉन जीरो है, दूसरी रो में कम से कम एक जीरो आनी चाहिए थी लेकिन बाई चांस हम देख रहे हैं कि दो जीरो एक साथ आ गई हैं। अगली बार इसका मतलब अगर पहली दो में कम से कम दो जीरो आती हैं कंटिन्यूअसली
तो दूसरी रो में कम से कम तीन अब आने चाहिए। तो हमने देखा वन टू एंड थ्री, तो दूसरी रो में तीन जीरो आ गई है कम से कम। अगर मैं चौथी रो में देखूं तो अब कम से कम चार जीरो आनी ही चाहिए, तो वन टू थ्री एंड फोर। तो यहां से हमने देख लिया है कि चार ही जीरो है तो इक्विलेंट फॉर्म को सेटिस्फाई करता है। अब मैं इसमें से अगर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को काउंट करूं, क्योंकि इस रो की सारी एलिमेंट जीरो हैं, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज वन टू एंड थ्री, तो मैं कहूंगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज थ्री। तो ऐसे हम स्टूडेंट इक्विलेंट फॉर्म से मैट्रिक्स की रैंक निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा है, उसको भी एक बार चेक करते हैं। ये मेरे पास पहली रो है, ये मेरे पास दूसरी रो है, ये तीसरी रो है और ये चौथी रो है। तो चार रो मतलब फोर क्रॉस फोर की ये मैट्रिक्स है। तो मैंने तो ये समझा मैक्सिमम रैंक फोर हो सकती है, लेकिन जब मैं इक्विलेंट फॉर्म से चला तो मैंने उसको चेक करना शुरू किया। पहला एलिमेंट नॉन जीरो है, कम से कम एक जीरो होनी चाहिए। तो मैंने देखा वन टू थ्री कम से कम एक होनी चाहिए थी, बट ऐसा हुआ कि तीन जीरो आ गई हैं। मैं इंटरचेंज कर सकता था, लेकिन मैंने देखा कि अगली वाली रो में तो चार जीरो एक साथ आ गई हैं, तो इसका मतलब नेक्स्ट में भी कम से कम चार तो होनी ही चाहिए। अब तो चार जीरो आ गई हैं। तो अगर मैं देखूं ये मेरे पास एक जीरो रो है, ये भी मेरे पास एक जीरो रो है, तो नॉन जीरो रो ओनली टू, तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज टू, तो मैट्रिक्स की रैंक टू आ गई है। तो स्टूडेंट ऐसे हम अपनी मैट्रिक्स को रिड्यूस कर सकते हैं इक्विलेंट फॉर्म में, जिससे हमें मैट्रिक्स की रैंक पता चलेगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मैंने कुछ जनरल एग्जाम्पल उठाए थे। एक मैट्रिक्स मेरे पास है जिसके अंदर एलिमेंट हैं वन 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 वन। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाई इक्विलेंट फॉर्म। आपको इक्विलेंट फॉर्म से इस मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है। अगर इक्विलेंट फॉर्म से हम इस मैट्रिक्स की रैंक चाहते हैं तो एक बार चेक करके देख सकते हैं। तो वन 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 वन। मैट्रिक्स फोर क्रॉस फोर की है, तो मैट्रिक्स की जो रैंक मैक्सिमम हो सकती है वो फोर हो सकती है। तो मैं देख पा रहा हूँ मैट्रिक्स की रैंक मैक्सिमम फोर आएगी, लेकिन डेफिनेशन लगा करके देखते हैं कि मैट्रिक्स की रैंक कितनी आएगी। तो मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन किया आर टू को पता करने के लिए, आर टू माइनस आर वन, चूँकि ये एलिमेंट जीरो होना ज़रूरी है, इसका भी जीरो होना ज़रूरी है और इसका भी जीरो होना ज़रूरी है। आर टू को आर थ्री को पता करने के लिए आर थ्री माइनस आर वन, आर फोर को पता करने के लिए आर फोर माइनस आर वन। तो अगर मैट्रिक्स में हम ट्रांसफॉर्मेशन करें तो ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसे आ रही है, पहली रो में कोई चेंज नहीं है, दूसरी रो में जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो जीरो आएगा, ऑब्वियसली ये भी जीरो ही आएगा। अब मैंने इसके साथ ऑपरेट किया, जीरो आ गया, फिर से जीरो बन रहा है। मैंने इसके साथ ऑपरेट किया, जीरो आ गया। मुझे देखने से लगता था मैट्रिक्स की मैक्सिमम रैंक फोर हो सकती है, बट अब मुझे जाके पता चला कि पहली रो, दूसरी रो और तीसरी, मतलब आर टू, आर थ्री और आर फोर, ये तीन रोज ऐसी हैं जिनके सारे एलिमेंट जीरो हो गए हैं, केवल एक ही रो ऐसी है जो नॉन जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज वन। तो ऐसे हम इक्विलेंट फॉर्म से मैट्रिक्स की रैंक निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं स्टूडेंट, समझते हैं कैसे मैट्रिक्स की रैंक आ रही है। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैं इक्विलेंट फॉर्म से उस मैट्रिक्स की रैंक निकालूंगा। तो क्वेश्चन है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स इज वन थ्री फोर टू माइनस वन फोर टू थ्री जीरो वन टू फोर टू सिक्स एट एंड फोर। एक मैट्रिक्स है मेरे पास, मैट्रिक्स फोर क्रॉस फोर की है, इक्विलेंट फॉर्म से मैं रैंक चाहता हूँ, मैक्सिमम रैंक फोर हो सकती है, लेकिन हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि मैट्रिक्स की रैंक कितनी आती है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। मैट्रिक्स जो मेरे पास है गिवन, वो ये है कि वन थ्री फोर टू माइनस वन फोर टू थ्री जीरो वन टू फोर टू सिक्स एट एंड फोर। आर टू को पता करने के लिए आर टू प्लस आर वन, क्योंकि दोनों में अपोजिट साइन है, सम करने से जीरो बनेगा, इसमें ऑपरेट करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी जीरो है। आर फोर में ऑपरेट कर देता हूँ, आर फोर को पता करने के लिए आर फोर माइनस टू आर वन। तो जो हमने ऑपरेशन दिया है, जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की है, वो मैट्रिक्स के अंदर कर देते हैं। पहली रो में कोई चेंज नहीं है, उसको एज इट इज लिख देते हैं, इसको इसके साथ प्लस करेंगे जीरो हो जाएगा,
इसको प्लस करेंगे 7 हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे 6 हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे 5 हो जाएगा। इसमें कोई चेंज नहीं है, उसको मैंने एडिटिव लिख दिया है। 2 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन होगा 0, 2 से मल्टीप्लाई 6 सब्ट्रैक्शन होगा 0, 2 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन होगा 0, 2 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन होगा 0। तो मैट्रिक्स कुछ इस फॉर्म में आ गई है। अब चूंकि इसमें एक जीरो है, मुझे इसमें कम से कम दो जीरो चाहिए, तो मुझे इस एलिमेंट को जीरो बनाना पड़ेगा। तो आर थ्री को पता करने के लिए 7R3 - R2, क्योंकि 7 का मल्टीप्लाई होकर के ही जीरो बनाया जा सकता है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने की है उसको ऑपरेट कर लेते हैं। पहली रो में कोई चेंज नहीं है 4-2, दूसरी रो में कोई चेंज नहीं है उसको भी हमने एडिटिव लिख दिया है, तीसरी रो में चेंज हो रहा है 0 हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई 14 हुआ और 14 में से 6 जाएंगे तो 8 हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई 28 - 5 मतलब 23 हो जाएगा और ये 0 0 0 और 0। हम देख रहे हैं स्टूडेंट, पहला एलिमेंट नॉन जीरो है, दूसरी रो का पहला एलिमेंट जीरो है, तीसरी रो में कम से कम दो जीरो कंटिन्यूसली आने चाहिए है, चौथी रो में कम से कम तीन जीरो होनी चाहिए थी, चौथा अपने आप बन गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास एक जीरो रो है, जीरो रो, लेकिन 1, 2 और 3 मेरे पास नॉन जीरो रोज हैं, इसलिए मैं कह सकता हूँ रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम देख सकते हैं कैसे हमारी मैट्रिक्स की रैंक आएगी बाय क्लेन फॉर्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टूडेंट ये समझेंगे कि किसी मैट्रिक्स की रैंक नॉर्मल फॉर्म से कैसे निकाली जाती है, किसी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कैसे रिड्यूस किया जाता है और कैसे हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके उस मैट्रिक्स की रैंक को पता कर सकते हैं। नॉर्मल फॉर्म एक इक्लेन फॉर्म का ही एक्सटेंशन है, हमें पहले मैट्रिक्स को इक्लेन में कन्वर्ट करना है और फिर उसको नॉर्मल में रिड्यूस करेंगे। नॉर्मल का एक दूसरा नाम भी रखा गया है कैनोनिकल फॉर्म। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यही पढ़ने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।